यह एक जादुई कैबिनेट है। लड़का उस कैबिनेट को धीरे से खोलता है। वहां उसे एक योद्धा मिला। लड़के ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, लेकिन वह योद्धा डर जाता है। लड़का उसे छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, लेकिन योद्धा उस पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन जादू से वह भी खिलौने का रूप ले लेता है। उसने उस खिलौने को वापस से जादुई कैबिनेट में रख दिया, लेकिन वो खिलौने फिर से जीवित हो जाता है। उस योद्धा का डर धीरे धीरे खत्म हो गया और वह बेन के हाथ में खड़ा हो जाता है। लगता है इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है। बेन ने उसे अपना एक तंबू खिलौना दे दिया। आदमी ने उस पर पैर मारकर देखा कि वह तंबू काफी सख्त है। लड़के ने वो तंबू उठाकर कैबिनेट में रख दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। वो देखता है कि खिलौना तंबू छोटे से असली तंबू में तब्दील हो जाता है। तभी बेन तेजी से अपने खिलौनों का डिब्बा बिस्तर के नीचे से निकाला। उसने तुरंत उन खिलौनों को मैजिक कैबिनेट में रखा और उसका दरवाजा खोला। लड़का अवाक रह गया। उसने देखा उसके सारे खिलौनों में जान आ गई है। यहाँ तक सुपर हीरोज भी आ गए हैं। ये देखकर लड़के को कैबिनेट की जादुई शक्ति का एहसास होता है। उसने कैबिनेट को बंद कर दिया और चुपचाप बिस्तर में लेट गया। तभी योद्धा उस लड़के से खुशी खुशी कुछ बातें करता है। उसने योद्धा को डब्बे में बंद करके बाहर लाया। कहा जाता है कि हरियाली, पेड़, फूल और पक्षी ऐसे जंगली योद्धा के दोस्त होते हैं। अचानक वहाँ एक चिड़िया आ गई। उस चिड़िया ने लगभग उस छोटे योद्धा को कहा ही लिया था, लेकिन लड़का उसे सुरक्षित वापस अंदर ले आता है। लेकिन उसके पैर पर चिड़िया ने चोंच मार दी है। बेन ने फिर से जादुई कैबिनेट में खिलौने रखे। तभी डॉक्टर भी खिलौने से बाहर आ गया। उसने योद्धा के घावों पर पट्टी बांधी। काम खत्म होने के बाद लड़के ने फिर उसे जादुई कैबिनेट में रखा। वो फिर एक खिलौने में बदल गया। इस समय योद्धा और बेन अच्छे दोस्त बन गए हैं। लेकिन तभी बेन को कुछ विचार आया। लड़का खिलौना को जादुई अलमारी में रखता है। वो जादू होने का इंतजार करता है। लड़के ने उस सैनिक के फरसे को उससे ले लिया। वो खूंखार सैनिक फिर से खिलौने में बदल जाता है। उसने उस फरसे को योद्धा को सौंप दिया। यहाँ पर एक मिट्टी का छोटा सा घर है। बेन अभी भी उस जंगली योद्धा से बात कर रहा है। वो आदमी काफी ताकतवर रहता है। उस आदमी को भी धनुष बाण चाहिए। उसने एक और खिलौने को कैबिनेट में रखा। लड़का उस आदमी से धनुष बाण छीन लेता है। पता चला कि पुनर्जीवित खिलौना बहुत पुराना था और वो डर के मारे अपनी जान खो देता है। तो बेन अपने गार्डन में एक गड्ढा खोदता है। उसने उस मृत व्यक्ति को दफना दिया। सभी बच्चे स्कूल में है। बेन ने अपने अनुभव को एक निबंध में लिखा। शिक्षक भी इसका सराहना करता है। फिर वो अपने दोस्त को घर ले आया। उसने उसे जादू कैबिनेट के बारे में पूरी बातें बताई। अब उसका दोस्त भी जादू देखना चाहता है। दोस्त भी उस कैबिनेट से खेलने लगता है। तभी कैबिन खोने पर एक घुड़सवार तेजी से बाहर आता है। बेन का दोस्त काफी डर जाता है, लेकिन इस घुड़सवार का कोई जवाब नहीं है। घुड़सवार अचानक से गिर जाता है। सौभाग्य से उसे बेन पकड़ लेता है। दोनों बच्चे उस घुड़सवार को उत्सुकता से देखते हैं। तभी घुड़सवार उसकी तरफ मुड़ा और उसके दोस्त के ऊपर गोली चला दी। खैर, उसे कुछ नहीं होता। बेन अपने दोस्त के चेहरे से गोली हटा देता है। इस समय घुड़सवार ने योद्धा को देख लिया है। उसने तुरंत उस पर गोली तान दी। सौभाग्य से लड़के ने उसे उठा लिया और योद्धा की जान बच गई। लड़के ने उसे एक लकड़ी के ड्रावर में डाल दिया और उसे बंद कर दिया। दूसरे दिन बेन अभी भी चैन की नींद सो रहा है। तभी वो जंगली योद्धा और घुड़सवार लड़ाई करने लगते हैं। लड़का एक जूते के पीछे छुपकर वार करता है। एक शॉट से योद्धा घुड़सवार की टोपी उतार देता है। तभी बेन जाग जाता है। लड़का लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। दोनों आदमी आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। इन दोनों को लड़ने से रोकने के लिए बेन उन्हें एक छोटे बैग में पैक करता है और उन्हें स्कूल ले आता है। तभी बेन के दोस्त ने उन आदमियों को बाकी बच्चों को दिखाता है। इस बात से दोनों में लड़ाई हो जाती है। इन्हें टीचर ने लड़ते हुए देख लिया। टीचर उन्हें वो खिलौने दिखाने बोलता है। गनीमत यह रही कि वे दोनों बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। कुछ गड़बड़ होने से बच गई। तभी बेन योद्धा को कहता है कि वह कुछ और खिलौने को पुनर्जीवित करना चाहता है। जब वो वापस घर गए तब उन्हें जादुई कैबिनेट नहीं मिला। दरअसल इसे बेन के बड़े भाई ने छुपा लिया होता है। लेकिन बेन को चाबी नहीं मिल रही है। कुछ खोज के बाद उन्हें चाबी मिल जाती है, पर वो चाबी बाहर नहीं आ पा रही है, तो इसे निकालने के लिए योद्धा को नीचे भेजा गया। इस समय कुछ खतरा महसूस होता है। बेन बहुत चिंतित है। उसने उस योद्धा को बाहर निकाला। वो देखता है कि योद्धा के पैर में चाबी लटक रही है। जब वे खुश होते हैं, एक बड़ा सा चूहा बाहर आता है, लेकिन लड़के ने योद्धा को चूहे से बचा लिया। तभी बेन ने उसकी पत्नी को भी जीवित करने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने से योद्धा ने मना कर दिया। वो अपने मूल जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता था। योद्धा अब गोली चलाने वाले लोगों में धनुष बाण चलाता है। उसने एक तीर घुड़सवार में चला दी। घुड़सवार नीचे जमीन पर गिर गया।
योद्धा उसको अंतिम विदाई देता है। उसने डॉक्टर को पुनर्जीवित किया और घुड़सवार को ठीक किया। वो घुड़सवार बच जाता है। वे अच्छे दोस्त भी बन गए। तभी इन्होंने नैन वापस पुतले बनने का फैसला किया। दोनों आदमी बेन से अलविदा कहते हैं और वापस से खिलौने में तब्दील हो जाते हैं। बेन उनके जाने से बहुत दुखी है। अगर आपके पास ऐसा जादुई कैबिनेट है तो आप उसका क्या करोगे? देखते रहिए, लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।